नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारत में जहां समलैंगिकों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, तो वहीं मलेशिया में दो महिलाओं को बेंत से मारने की सजा दी गई। आपको बता दें कि मलेशिया मुस्लिम बहुल देश, इन दो महिलाओं को इसलिए बेंत से मारने की सजा दी गई क्योंकि इन दोनों महिलाओं ने आपस में समलैंगिक संबंध बनाए थे, जिसके बाद शरिया अदालत ने सार्वजनिक रूप से सजा दी। इन दोनों लिस्बियन महिलाओं को 3 सितंबर को 100 लोगों के सामने 6-6 बेंत मारने की सजा दी गई थी। ये बेंत उनके नाजुक स्थान पर मारे गए थे। बेंत से मारने की सजा को त्रिगानु राज्य की शरिया अदालत के सामने सजा दी गई। इस सजा को सुनाए जाने के बाद इस सजा पर मानव अधिकार संगठनों ने कड़ा एतराज जताया। मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल इस सजा के दिन को एक भयानक दिन का रूप कहा। वहीं मलेशिया की महिलाओं की समूह जस्टिस फॉर सिस्टर्स एंड सिस्टर्स इन इस्लाम ने कानून की समीक्षा की मांग की, जिसमें महिलाओं को बेंत से मारने की सजा हो। इस समूह में महिलाओं का कहना है कि सजा इन दो महिलाओं को दी गई है वो न्याय की हत्या की गई है। तो वहीं मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने भी समलैंगिक महिलाओं को बेंत से पीटे जाने की सजा पर बड़ा दुख जताया है। दरअसल महाथिर ने फेसबुक पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि जिस तरह पूर्व उत्तर मलेशिया में सजा दी गई है, आपको बता दें कि मलेशिया में ड्यूल न्याय प्रणाली है। इसके तहत इस्लामिक अदालत मुस्लिम आबादी और पारिवारिक मामलों को सुलझाती है और इस कानून में गैर शादीशुदा जोड़ों के बीच यौन संबंध के मामले भी शामिल किए जाते हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।